सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व प्रतिपादित है। इस वर्ष कुछ पंचांगकारों एवं धर्माधिकारियों के द्वारा इस पर्व की तिथि को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में कुछ लोग 13 फरवरी तो कुछ लोग 14 फरवरी को इसके आयोजन एवं अनुष्ठान का उपदेश कर रहे हैं, परंतु हमारी सनातन व्यवस्था में इसका ठीक ठीक निर्धारण ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र के सामंजस्य से ही संभव है। अतः प्रस्तुत विषय का संज्ञान लेते हुए संकाय प्रमुख प्रोफेसर चंद्रमा पांडेय की अध्यक्षता में दिनांक 27/1/2018 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय, पूर्व ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, आचार्य डॉक्टर शत्रुघ्न त्रिपाठी, डॉक्टर सुभाष पांडेय, वेदांत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडेय, डॉक्टर राहुल मिश्र उपस्थित रहे। उक्त बैठक में विचार विमर्श पूर्वक देखा गया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि होती है। कुछ आचार्यों जिन्होंने प्रदोष काल व्यापिनी को स्वीकार किया है, वह उन्होंने प्रदोष का अर्थ अथ प्रदोषो रात्रि कहते हुए रात्रिकाल किया है। ईशान संहिता में स्पष्ट वर्णित है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिषि शिवलिंग गतिद्भुत कोटि सूर्य संप्रभ तत्काल व्यापिनी ग्राहरी शिवरात्रि व्रते तिथि। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की मध्यरात्रि में आदिदेव भगवान शिवलिंग रूप में अमित प्रभा के साथ उद्भूत हुए, अतः अर्धरात्रि से युक्त चतुर्दशी ही शिवरात्रि व्रत में ग्राह्य है। धर्मशास्त्रीय उक्त वचनों के अनुसार इस वर्ष दिनांक 13 फरवरी 2018 ही को चतुर्दशी का आरंभ रात्रि 10:22 बजे हो रहा है तथा इसकी समाप्ति अग्रिम दिन दिनांक 14 फरवरी 2017 ही को रात्रि 12:17 पर हो रही है। अतः एक एक व्याप्त तू निशीत निर्णय, इस धर्मशास्त्रीय वचन के अनुसार चतुर्दशी 13 फरवरी को निशीत काल एवं 14 फरवरी को प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है। ऐसे स्थिति में निशीत के द्वारा ही इस वर्ष शिवरात्रि का निर्णय किया जाएगा। अतः इस वर्ष 13 फरवरी को निशीत काल 11:34:30 12:26:00 तक तथा 14 फरवरी 11:35:38 से 12:27:02 तक तथा प्रमाणांतर दोनों दिवसों में रात्रि 11:00 से 01:00 तक हो रहा है। अतः पूरे द्यु प्रागुप्त अर्धरात्र से एक देश व्याप्त पूर्व द्यु वचन के अनुसार 14 फरवरी को रात्रि 11:35:38 से 12:27:02 तक पूर्ण निशीत काल के पूर्व 12:17 पर चतुर्दशी समाप्त हो जाने से पूर्ण निशीत व्यापिनी नहीं मानी जा सकती। अतएव स्पष्ट से धर्मशास्त्रीय वचनानुसार दिनांक 13 फरवरी को ही महाशिवरात्रि व्रतोत्सव मनाया जाएगा। इसी आशय से काशी के महत्वपूर्ण पंचांगों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित श्री विश्व पंचांग एवं शिवमूर्ति ऋषिकेश पंचांगों आदि में भी दिनांक 13 फरवरी को ही महाशिवरात्रि लिखा गया है। अतः दिनांक 13 फरवरी को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।